दोस्तों आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। बालन शाह के केस में यह डायलॉग परफेक्ट बैठता है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा कहने से बेहतर डायरेक्ट करके दिखाओ। और बालन शाह भी कुछ ऐसे ही अंदाज में काम करते हैं, मतलब ये डेट एक्सपायर्ड नेता लोग जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक की सोच रखते हैं बालन शाह, और वैसा काम भी करते हैं। कुछ महीने पहले की बात है कि बालन अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाले थे जहां पर वो बोल रहे थे 15,000 लोगों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वो कराएंगे और 5,000 लोगों की नौकरी भी दिलाएंगे। तो भाइयों और बहनों, अपने वही बात पर कायम होते हुए काठमांडू महानगर ने 4,000 लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। इच्छुक पर्सन या विद्यार्थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। नो डाउट जिस तरह से इंटरनेट इस दुनिया में एक्सपैंड कर रही है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी स्किल्ड पर्सन की डिमांड उतना ही तेजी से बढ़ने वाला है। एक सर्वे के अनुसार नेपाल में पिछले ईयर के मुताबिक इस ईयर में 59% से साइबर क्राइम बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हो तो इसमें तो अच्छा सैलरी है ही, बट देश की साइबर सिक्योरिटी में भी आप हेल्प कर पाएंगे। इसको कहते हैं नए जेनरेशन की नए लीडर की सोच। भाई एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे बालन जी? काश आपके जैसा लीडर नेपाल के हर जिला में हो जाए तो नेपाल की काया ही पलट हो जाएगा। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग का मतलब आप समझ सकते हो मोटा मोटी की हैकिंग से रिलेटेड ही ये ट्रेनिंग होने वाला है। बट फर्क इतना है कि हैकिंग तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अमूमन लोग दो प्रकार से जानते हैं, एक तो व्हाइट हैट हैकिंग होता है, एक ब्लैक हैट हैकिंग होता है। ब्लैक हैट हैकिंग वाले गलत काम करते हैं, इनलीगल काम करते हैं, लोगों की बैंक से पैसे चुराते हैं तथा डाटा चोरी करते हैं। लेकिन वहीं पर व्हाइट हैट हैकिंग वाले लोग इसी चीज़ को जो ब्लैक हैट करते हैं उस हैकिंग से प्रिवेंट करते हैं, आपको हैकिंग से आपको बचाते हैं, वो लोग व्हाइट हैट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो काठमांडू महानगर आपको ट्रेनिंग कराएगी कहीं ना कहीं व्हाइट हैट हैकिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर तो काठमांडू महानगर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 17 जनवरी से फॉर्म आप भर सकते हो, तो जाइए ग्रैब कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि भाई आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा फील्ड होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा मार्केट होने वाला है। जिस तरीके से इंटरनेट ग्रो हो रही है, खाना पीना के साथ साथ जिस तरीके से लोगों की डाटा ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है, उस तरीके से एक बहुत ही बड़ा वाइड स्पेस आपको मिलेगा इस फील्ड में। तो जाइए, अगर आप काठमांडू महानगर में रहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप जरूर कर लीजिए। यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। बालन शाह की इस फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।